भाई इधर आइए ना। थोड़ा सा इस तरफ ब्रदर। थोड़ा यहाँ पे आइए सर। यहाँ ही यहाँ बस बस होल्ड होल्ड होल्ड। भाई इस तरफ आइए। मोबाइल मोबाइल
स्टॉल क्वेश्चंस 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 यार रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. मैंने सुना है कि बहुत इमोशनल है. मुझे पहले से बोला गया कि आई जैना हाउ यू मुझे पहले से बोला गया टिश्यू पेपर्स लेकर जाओ बहुत सारे अंदर बिकॉज बहुत रोना धोना होगा. एंड आई थिंक वी हैवंट सीन एन इमोशनल फिल्म इन अ व्हाइल सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस अमित जी के बारे में अमित जी का नाम सुनते देखा सब थड़प थतल बतल हो जाता है सारा का. तो इंडस्ट्री भी वैसी है तो आई थिंक उनको देख के हमेशा ही मजा आता है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अमित जीज परफॉर्मेंसेज वाली. यस यस यार उनकी पहली फिल्म है मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक शी इज अ लवली ह्यूमन सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड शी इज गॉर्जियस शी इज अमेजिंग. सो बहुत ही जल्दी आपसे बात होगी उस बारे में. थैंक यू गाइज थैंक यू थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अमित जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मुझे उनकी सारी फिल्म्स बहुत पसंद है और आई थिंक ये वाली मैं थोड़ी और एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसके अंदर एली भी है एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड. सो आई एम हियर टू सपोर्ट देम एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड टाइम टू वॉच द फिल्म. हाँ जी हाँ मैं क्या कहूँ उनके बारे में. रश्मिका शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन. मैंने सुना है मैं उनको कभी पर्सनली मिली नहीं. आई होप मैं आज मिल पाऊँ. और उनकी काम की बात मैं क्या करूँ. हम सभी जानते हैं दैट शी इज़ अ ग्रेट एक्टर. शी इज़ वेरी गुड विद द वर्क दैट शी इज़ डूइंग एंड आई वुड जस्ट से ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू बॉलीवुड. जी मिस्ट्री ऑफ टैटू एलिफेंट इन द रूम ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाले हैं. पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है. आई एम लुकिंग वेरी फॉरवर्ड. अभी फाइनली सिनेमाज खुले हैं सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि फाइनली थिएटर्स में एक माहौल बना है. अगर आप यहाँ उस तरफ देखें इट्स क्राउडेड अगेन तो बहुत खुशी महसूस हो रही है आई थिंक फॉर द इंडस्ट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग मूवी. आमिर जी के बारे में मैं क्या बोलूँ. ही इज़
the best. I think we all look up to him. And Rashmika is in the movie as well. She's coming to Bollywood. I'm really excited to see what she's done in this Hindi film. Hey, Abhi, wo production announce karega, main nahi. But yeah, there are 3 to 4 projects. इसकी एक्साइटमेंट तो हमारे शो से ही स्टार्ट हो चुकी थी जब आई परफॉर्म्ड ऑन अ सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी गुड बाय. वो है ना जिंदगी एक हिकमे दबा वो वाला. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी द प्रोमोज वे सो अमेजिंग. अमित जी है, रश्मिका मंदाना है एंड अदर अमेजिंग आर्टिस्ट. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. इतनी कमाल लीना गुप्ता जी हैं यार. आई मीन it will be an honor to watch everyone on the screen. So and I'm super late, so yeah, I'll not take much of your time. Mere upcoming projects, uske liye mujhe kundli se nikalna padega aur wo pata nahi wo abhi nahi hone wala. So yeah, thank you so much. Thank you. मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है. इट्स गॉट फैमिली वैल्यूज़. आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं. सो आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी. जी मैं एक्चुअली अमित जी की परफॉर्मेंस देखकर हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है. तो उस चीज़ को देखकर इस मूवी में वो क्या नया करने वाले हैं ये देखना चाहती हूँ मैं. यस राइट. तो उनको रश्मिका को पहली बार हिंदी मूवी में देखा जाएगा एंड आई वुड रियली लव टू सी बिकॉज मैंने उनको सिर्फ पुष्पा वाले रूप में देखा है, गांव की लड़की के रूप में देखा है. बट आई वुड रियली वॉन्ट टू सी वॉट शी इज़ गोइंग टू कम अप विथ इन गुड बाय. या थैंक यू. This is like, what are you going to ask me? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था मुझे बहुत ही क्यूट फिल्म लग रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था ट्रेलर में. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म. क्या बोलूँ अमित जी के बारे में, लाइक यू नो द वे ही वॉज इन द ट्रेलर एंड ऑफकोर्स द लिविंग लेजेंड दैट ही इज. वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म. पहली बार बॉलीवुड में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी. तो उनको जाके देखते हैं, उनका काम देखेंगे. आई एम श्योर शी इज़ वेरी गुड. थैंक यू. आई हैव केप्ट ऑल दिस बैग.
मुंद्रा साहब। फिर से हाँ जी हाँ जी जी बहुत दिनों बाद एक अलग सी फिल्म आ रही है तो काफ़ी यू नो अच्छी बातें कही जा रही है इस फिल्म के बारे में तो यू नो वो देखने का बहुत एक्साइटमेंट है और यू नो कितनी सारी फिल्में आ रही हैं अच्छे कुछ अच्छी जा रही हैं कुछ नहीं इतनी अच्छी जा रही तो हम होप कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी फिल्म हो सो यू नो क्योंकि अगर कॉन्टेंट अच्छा होगा इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे घर चलेंगे सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड जी जी उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं वो एक लेजेंड हैं और हमारी कोई औकात नहीं उनके बारे में कुछ कहें बट ही इज़ ऑलवेज बिन माय फेवरेट सुपरस्टार अलोंग विद शाहरुख खान बट अमित जी के साथ मैं अपना बर्थडे यू नो शेयर करता हूँ 11th अक्टूबर सो हमेशा से एक यू नो एक उनको देख के एक एनर्जी मिलती है मुझे कि अच्छे दिन हो बुरे दिन हो देयर इज समबडी देयर सो या जी हाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्साइटमेंट है लोग बहुत खुश हैं उन्हें देख के और वो उनकी पहली पिक्चर है यहाँ पर सो यू नो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड यू नो आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर सो अभी देखने जाते हैं बहुत ही अच्छी है इनका पोस्टर नीना जी जो हैं वो मेरे लिए स्पेशल हैं क्योंकि जो मेरा पहला शो था उसमें वो मेरी मॉम बनी थी सो मैं अपने करियर की स्टार्टिंग से नीना जी के साथ काम कर रहा हूँ सो वेरी हैप्पी हाँ ऑर्गेनिकली हो रहा है यू नो बहुत ही प्यारा गाना है और यू नो एक छोटे से चैनल पे है जो सिंगर है उन्होंने बहुत मेहनत की है जानी है अरविंदर भाई ने किया है तो यू नो इट्स अ सॉन्ग दैट इज़ डूइंग रियली रियली वेल एंड वी वेरी हैप्पी यार मूवी देखने नहीं आया मैं पिक्चर में हूँ वेरी एक्साइटेड हाँ यार जो डायरेक्टर है ना विकास बहल सो ही टोल्ड मी कि ये जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ पे बेस्ड है सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले हिम एंड दिस फिल्म इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज हम लोगों ने ये हमने कोविड के टाइम शूट करी थी और कोविड के टाइम वैसे भी वी वर लूजिंग समवन ऑफ द अदर एंड आई थिंक दिस फिल्म रियली हेल्प मी कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाऊँ बिकॉज ये पिक्चर उस बारे में है कि हम डेथ के साथ कैसे डील करते हैं और फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो और इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो हमने साथ में मिलकर पिक्चर बनाई है सो एनी वेज वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस अमित जी यार हमेशा की तरह लवली रहते हैं वो तो ही इज़ अ लाइवर और वो मजाक करते रहते हैं बट अमित जी इज़ सच अ नाइस एंड हम्बल मैन नो कि आप उनके साथ काम करते हो आपको लगता है नहीं मिस्टर बच्चन के साथ काम कर रहे हो ही इज़ जस्ट अ नाइस सोल एंड अ लवली को एक्टर यार उनका पुष्पा मूवी बहुत हिट हुआ था रश्मिका बहुत प्यारी लड़की है एंड आई होप ये भी पिक्चर उतनी हिट हो तो एंड आई वुड लव टू वर्क विद रश्मिका अगेन एंड अगेन हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सो इट्स अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर हाँ यार अभी एक अश्विनी अय्यर तिवारी का एक सीरीज़ आ रहा है कॉल्ड फाड़ू उसके बाद वो होगा उसके बाद दो और फिल्में हैं तो देखते रहें थैंक यू
कम स्टैंड हाय बहुत एक्साइटेड है एकता की फिल्म है तो हमेशा ऑलवेज एक्साइटेड फॉर वॉचिंग एकता फिल्म We're just very excited to see the film because the trailer is really touching and I think everybody is waiting for this one. So it's going to touch a lot of hearts. So I think it'll be really nice. Amit ji is always the best. Amit ji is the best. He's the best. Kaun hai? Haan. Pushpa, though I loved her in Pushpa. She's supposed to be really good and we are excited to see her. Thank you. बहुत ही एक्साइटेड हूँ और अभी बहुत ही नर्वस भी हूँ सब देखे हैं तो सबके साथ बात करने के लिए वेट कर रही हूँ तो आप परमिशन दिया तो मैं वहाँ जाऊँगी ओके नहीं दे रहे वेरी वेरी स्पेशल वेरी गुड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड सुपर ऑनर थैंक यू बट आई होप यू गाइज लाइक द फिल्म एंड यस दैट्स ऑल Yay! Thank you. I hope so. If you liked it, then I'm sure the audience will like it because you are our first audience, and I'm grateful that you liked it. Yay! How was my performance, sir? Was it okay? Yay! Thank you so much. अरे भाई आई मीन जब मैंने गुड बाय का ट्रेलर देखा आई थिंक मैं नहीं सभी एक्साइटेड हैं बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग ट्रेलर है इसका एंड ऑब्वियसली विकास भेल आई मीन राइट अमित शाह अमिताभ बच्चन आई मीन ही डिफाइंस इंडियन सिनेमा तो I'm actually grateful and honored that मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ द एंटायर इंडियन ऑडियंस एवरीबॉडी एक्चुअली थैंक यू Yeah.
भाई है। कैसे हो भाई? यार जी जी ये बोलना चाहेंगे कि हम अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन हैं एंड सारी ज़िंदगी उनकी फिल्म्स देख के गुजरा है एंड आज उसके प्रीमियर पे हैं तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनकी परफॉर्मेंस से फिर से कुछ सीखने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स अब बालाजी का मूवी है एंड वी आर ऑब्वियसली नाउ मोर एक्साइटेड टू सी दैट एकता मैम और अमिताभ बच्चन का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो क्या धमाका होता है। मैं ये बोलूँगा कि पहली बात तो मैं उस दर्जे पे हूँ नहीं कि मैं कुछ भी बोलूँ क्योंकि वो ही इज़ अ सुपरस्टार एंड अमिताभ जी ले लो या रश्मिका जी ले लो या एकता मैम ले लो या कोई भी, आई थिंक द एंटायर टीम हैज़ वर्क ब्रिलियंटली वेल। आई एम श्योर बिना देखे मैं फिल्म को ही बोल सकता हूँ दैट देव यू नो डन अ ग्रेट जॉब एंड ऐसे टॉपिक पे बनाइए फैमिली के बारे में तो आई एम श्योर इट्स गोना बी अमेजिंग। वी आर ऑल लाइक मैं और सिम्बा पर्सनली बहुत रिलेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू फैमिली, बाकी का मुझे पता नहीं, आई एम श्योर बहुत लोग करते हैं व्हेन इट कम्स टू फैमिली। सो व्हेन इट कम्स टू फैमिली एनी टॉपिक दैट यू पिक अप आई थिंक वी जेन्युइनली कनेक्ट फ्रॉम द हार्ट। जब दिल से कनेक्शन होता है तो वो चीज़ बहुत दिल को भाती है एंड या सो एंड वी आर श्योर कि हमारे दिल को कनेक्ट करेगी वो। हम ट्रैफिक में 2 घंटे फंसे हुए थे लेकिन हमने कहा कि हमने को जाना है एंड वी जस्ट केम। बहुत मज़ा आ रहा है मेरा भाई मेरे को, हम लोग इतना चिल करते हैं सेट पे, मैं और सिम्बा तो बहुत चिल करते हैं एक्चुअली एंड सीन्स में बहुत बार हमको हंसी भी आती है लेकिन हम लोग बहुत हंस हंस के भी वो सीन देते हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है, इट्स लाइक अमेजिंग। और मुझे आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम ऑल्सो बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड चाहे वो तेजस्वी हो गई या कोई भी एक्टर हो गया सेट पे, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज मैं फिक्शन में नया हूँ एंड दे हैव बीन वेरी एक्सपीरियंस्ड तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू जेन्युइनली। और मैं प्रतीक के बारे में कहना चाहूँगा दैट ही इज़ रियली पैशनेट एंड रियली कीन ऑन लर्निंग और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एंड विद वक्त विद टाइम इफ वी गिव हिम टाइम वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड ही इज़ गोना बी आवर नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू, लव यू। मैंने तो अभी तक मुझे अब्दू बहुत प्यारा लगता है, माशाल्लाह उसको नज़र ना लगे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी। आई एम श्योर बहुत लोग और भी अच्छे कर रहे हैं, शिव है जो मराठी का ऑलरेडी विनर है एंड देर ऑल डूइंग वेल। बाकी मैंने सीजन ऐसा फॉलो नहीं किया अभी तक, एपिसोड्स देखे नहीं है बट सलमान भाई तो है अल्टीमेट, आ रहे हैं एंड इंशाल्लाह मैं और सिम्बा भी जाओ बहुत जल्दी, बस देखते जाओ भाई। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक वीडियो में भी आएंगे, मूवी में भी आएंगे, सीरियल में भी आएंगे और वेब में भी आएंगे, सब में आएंगे, हर जगह। वो प्रतीक वो नहीं पता था, वो नहीं पता एक्चुअली उसका कुछ नहीं पता। थैंक यू थैंक यू। शिल्पा जी यहाँ पे
कपड़ा बन सामने तो उस तरफ चले जाना बेटा साथ में किया एंड दिस इज हिज यू नो फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क और आई थिंक गुड बाय जैसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती है इट्स अ वेरी रेगुलर अफेयर विद ऑल ऑफ अस कि हम अपने बहुत क्लोज पीपल को गुड बाय नहीं कह सकते सो इट्स आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड या Rashmika ji is a sweetheart of this entire nation and all the countries abroad so we are really looking forward to seeing her and all the best to her for her Bollywood journey thank you so much वेरी वेरी एक्साइटेड अमित जी के साथ इतने साल बाद दोबारा मैंने काम किया आई एम जस्ट बियॉन्ड एक्साइटेड और भी मुझे खुशी हुई कि जब हम लोग कोई ऐसी कहानी कह पाते हैं जो जो क्लोजर टू लाइफ हो आयरोनिकल हो और जो आपको हंसा सके और इस पीरियड में हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग हंस सकें खुद पर हमारे अपने बिहेवियर्स पर और उन सब चीज़ों को जिनको लेकर हम लोग अदरवाइज़ बहुत सीरियस हो जाते हैं तो गुड बाय इज़ एन इनवाइट कि हम लोग सब आकर फिल्म हॉल में बैठकर कुछ हंस सके अपने पर ज़िंदगी पर और अपने दुखों से दूर दौड़ सके अमेजिंग प्रोफेशनल और उन्होंने जिस तरीके से हिंदी भाषा में काम किया और यू नो शी इज़ एन अमेजिंग प्रोफेशनल परफॉर्मेंस लैंग्वेज और प्रेपरेशन उनका कमाल का मिक्स मुझे लगा तो आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग हर आई एन्जॉयड परफॉर्मिंग विथ हर बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू
और मूवी एंड पॉपकॉर्न का जो एक्सपीरियंस है इट्स वन ऑफ द काइंड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अमिताभ सर. दे आर द कमिंग ऑफ स्टार्स. ऑफकोर्स दे हैव देयर एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ बट एवरीबडी नोज देम हियर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. फिनिश वेटिंग फॉर आवर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफकोर्स इतना स्टेलर स्टारकास्ट है देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और ऑफकोर्स मिस्टर बच्चन है रश्मिका मंदाना हु आई रियली लव सो आई थिंक इट्स अ पैक ऑफ यू नो अमेजिंग परफॉर्मेंसेज और एकता नाम की फिल्म है तो कॉन्टेंट तो किंग होगा ही सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. जी जी I absolutely love Rashmika Mandanna because Pushpa me like she just stole my heart. She's so amazing and so beautiful as an actor and watching her in a Bollywood movie it's going to be a treat I'm sure. क्या पूछना है सर आपको. सर मैं हूँ ये मैं हूँ ये मेरी पहली फिल्म है सर. आई प्ले नकुल आई प्ले नीना जी इज सन इन द फिल्म उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ. मेरी पहली फिल्म है बस यार और कुछ है नहीं. आप पिक्चर देखेंगे आपको पता चल जाएगा मैं कितना हूँ कितना नहीं. बेस्ट आदमी है वो. आई लव हिम और मेरी मॉम बनी आई. हेलो मैम. दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी बिकॉज आई नो या एंड दैट गाय आल्सो राइट वो सरली एंड साइला बेचारा कोई नहीं पहचान रहा. वो सरदार है बेचारा. हाँ मैम आप ले लीजिए. मैं देख लेना ना मैं क्या बताऊँ. ये मेरी पहली फिल्म है अमित जी के साथ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. सबसे बड़ी बात मैंने उनसे सीखी वॉज डिसिप्लिन कमिटमेंट टू वर्क. और ऐसा नहीं लगा कि वो पहले मैं नर्वस थी बट जब आप काम करने जाते हैं तो लगता है कि ही इज़ लाइक एनी अदर को एक्टर who's working for you. It is not that he's such a big star so he'll be different. So it was a very nice professional experience. Sit down.
रश्मिका का मैं पहले जानती नहीं थी, लेकिन रश्मिका को पहले दिन ही हमारा ऐसा लगा कि हम माँ बेटी हैं। शी इज़ अ वेरी वार्म काइंड नाइस पर्सन एंड ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम पहले कभी मिले नहीं। वी फेल लाइक वी आर मदर डॉटर। थैंक यू। एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा कि बहुत इमोशनल फिल्म है, तो मैंने कोई लेंसेज नहीं पहने, चश्मे पहने थे, तो बहुत खूब से रोऊंगी आज। आई मीन आई कैन नॉट एवर कॉमेंट ऑन अमिताभ बच्चन सर, सो ऑब्वियसली इज ऑलवेज फैंटास्टिक, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टार कास्ट, सो आई होप इट विल बी फन। जी आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। मैंने उनका काम अभी तक देखा नहीं है, तो आई थिंक उनकी ये पहली हिंदी फिल्म रिलीज है एज सच, सो आई एम एक्साइटेड टू सी समवन न्यू इन द इंडस्ट्री। इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी व्हाट दे हैव टू ब्रिंग टू द टेबल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। आई थिंक फिल्म्स आर बैक, सिनेमा इज़ बैक, और यू नो जो एक फैमिली, यू नो फैमिली के साथ जो आपको मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, दैट दिस मूवी हैज़। एंड मतलब यू नो वो फैमिली बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस एंड द इमोशन विच इज़ अटैच टू फैमिली, दैट्स देयर इन दिस फिल्म। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। आई थिंक मतलब बहुत छोटा होगा उनके लिए कुछ कहना, बिकॉज टू लिव इन द सेम लाइफ टाइम इज़ हिम, स्पेशली एज अ ह्यूमन बींग ऑफकोर्स, बट एज एन आर्टिस्ट इट्सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। वो उनका हर एक स्टेप, यू नो एवरीथिंग ही डज टीचेस अस, एंड यू नो हम सबको इतना कुछ सिखाता है कि अगर वो आज तक इतनी शिद्दत से एंड इतनी यू नो पैशन से काम करते हैं, सो वी शुड ऑल्सो अप्लाई दैट इन आर लाइव्स। एंड ही कैरीज विद हिम कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ आर कंट्री, सो ही इज़ यू नो समथिंग वी ऑल नीड टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, और वो है आई थिंक इंट्रिंसिकली हम लोग प्राइड कैरी करते हैं उनके लिए। She is very promising and clearly आप लोग सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। शी इज़ अ फेवरेट ऑफ ऑल द कैमराज एंड पैप्स एंड एवरीबडी लव्स हर एंड राइटफुली सो, एंड आई थिंक वी शुड कॉल इट एज यू नो एन इंडियन इंडस्ट्री एंड नॉट रियली टर्म इट एज डिफरेंट। हम सबको यू नो हर रीजन में काम करने में इट शुड बी नॉर्मल। सो आई इट्स अमेजिंग दैट शी इज़ डूइंग दिस फिल्म, उनकी पहली फिल्म है, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। थैंक यू गाइज।
पे. हेलो, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स एकता मैम्स मूवी एंड इट्स इट हैज़ अमिताभ बच्चन इन इट एंड माई कनेक्शन विद अमिताभ बच्चन यू नो गोज बैक टू 2008 व्हेन वी डिड निशब टुगेदर. So I always watch all his movies because of course I've worked with him personally, so it's a different feeling. And all the best to Ekta ma'am. This film is about family and relationships, and I am, it's my first time that I'm coming to a public event with my husband, so it's all the more special to me because of that. And I'm sure we'll all enjoy it. Rashmika. Right, Rashmika is really cute and she's a very beautiful girl and very, very talented. And I've seen the trailers. It's looking absolutely, you know, a very relatable, a very fun movie and emotional movie to watch. And I'm sure she's done a fantabulous job in this as well. After so long, a movie like this is coming, which is about family. And yeah, I'm sure everyone has said a lot, so I'm also very excited. I think unke fan kaun nahi hai. Everyone loves Amir sir, and I'm very excited to see what's about. This is her classic Rashmika style, so this is what I have to say to Rashmika. Yes, I have few web series that are coming, which I will speak about once they are out. Yeah? Thank you. कहाँ पर, यहाँ देखो. बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत ही अच्छी फिल्म लग रही है. ट्रेलर से तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही फील गुड, स्लाइस ऑफ लाइफ, पॉजिटिव फिल्म लग रही है. तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. अमित जी इज द लिविंग लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री. मैंने उनके साथ काम भी किया है एंड माई सिस्टर्स वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद हिम. So it's a very important family connection, personal and professional. Very, very excited about our association coming together with Goodbye. Yes, Pushpa में मैंने उनका काम देखा है. बहुत ही बढ़िया काम था और ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा. एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बट उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग लग रहा है इस फिल्म में. सो इट जस्ट शोज़ दैट शी इज़ सो गुड विथ अ क्राफ्ट. और ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने पहले फिल्में की, ऐसा लग रहा है कि ये उनकी सबसे पहली फिल्म है. सो इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश एंड शी इज़ लुकिंग लाइक शी इज़ रेडी टू रॉक बॉलीवुड. यस, बारिश दिसंबर में लग रही है और मेरा कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है. इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, अ हू डन इट. एंड बहुत सालों बाद मैं एक अलग हट के किरदार में आ रहा हूँ जो कॉमेडी के बाहर है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट टू पीपल. उसके बारे में मुझे पता नहीं है, उसके बारे में आप प्रोड्यूसर से पूछिए. आई एम श्योर बनेगी तो डेफिनेटली, लेकिन कब बनेगी उसका मुझे पता नहीं है. थैंक यू.